बीच एक और बड़ी खबर है, बड़ी खबर का रुख करते हैं जालौर से। यहाँ पर बीजेपी को जीत मिली, लेकिन चित्तौड़गढ़ से भाजपा के सीपी जोशी जीते हैं। हालांकि शुरुआती तौर से था बस इंतजार था इसके ऐलान होने का, लगातार बढ़त चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी बना के रखे हुए थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, अपनी सीट के साथ साथ पूरे प्रदेश की सीट पर भी लगातार वो दौरे भी कर रहे थे, लेकिन अपनी सीट जब बात है आश्वस्त है जीत को लेकर, चित्तौड़गढ़ से भाजपा के सीपी जोशी की जीत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ये बड़ी जीत है और आखिरी वक्त पर चंद्रमान आक्या आज जो नाराज चल रहे थे उनको मना लिया गया था और सीएम भजनलाल शर्मा ने ये शांति समझौता दोनों के बीच में कराया था और ये बड़ा एक निर्णय था जिसके कारण सीपी जोशी, क्योंकि एक सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी हैं, पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, चित्तौड़ मेवाड़ का इलाका बीजेपी का गढ़ भी कहा जा सकता है और विधानसभा चुनाव में भी बेहतरीन परिणाम इस इलाके से आए तो अपने आप में कहा जा सकता है अगर एनडीए की सरकार का निर्माण होता है तो सीपी जोशी अब संभावित मंत्री के तौर पर भी उनका नाम चर्चाओं में। और वो मान भी रहे थे सुबह भी जब बातचीत उन्होंने फर्स्ट इंडिया से खासतौर से एक्सक्लूसिवली की, उन्होंने कहा कि मुकाबले में यहाँ पर कोई है ही नहीं, यानी उदयलाल अंजना को वो अपने मुकाबले में मान ही नहीं रहे थे शुरुआती तौर से और इसलिए जीत को लेकर आश्वस्त थे। लेकिन जालौर को लेकर जो सवाल किया योगेश जी ने पुष्पेन जी, उसका जवाब जरूर चाहेंगे, उस वक्त रोका था। ये तो जनता जनार्दन का निर्णय है कि वो किसको जिताती है किसको हराती है। हाँ, निश्चित तौर पर ये हमारे लिए आत्ममंथन का समय है कि वैभव गहलोत जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के सन है, उनकी हार किस कारण से हुई, क्योंकि अशोक गहलोत जी जनता में स्वीकार्य थे, उनकी अच्छी छवि, उसके बावजूद भी वैभव गहलोत जी नहीं जीत पाए तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी मंथन करेगी। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी इस हार पर मंथन करेगी पुष्पेंद्र जी, लेकिन अपूर्वा जी से भी एक सवाल रहेगा।